और आप देख सकते हैं कितने फास्ट प्रोसेस है इसकी, कितनी फास्ट फ्लेम चल रही है इसकी। और इस टाइम मैं अपनी घर की छत पे हूँ, चारों तरफ से हवा आ रही है इसकी। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस व्लॉग के अंदर आपको कैंपिंग से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। आप जो देख रहे हैं ये है मल्टी फ्यूल स्टोव, जो कि हम कैंपिंग में इसका यूज़ करते हैं। और अब मैं इसको ओपन करता हूँ और आप अंदर देख सकते हैं इसके अंदर ये बोतल है। इस बोतल के अंदर आप केरोसिन, पेट्रोल और डीजल फ्यूल इंजेक्ट कर सकते हो। और इसकी कैपेसिटी है 530 ml, और हम इसके अंदर ओनली 450 ml ही इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये है फोल्डेबल चूल्हा, आप देख सकते हैं फोल्ड है। अब हम इसको आपको खोल के दिखाते हैं कैसे क्या। ये मैंने खोल दिया है, ये इसका स्टैंड है, ये ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है, एक ये पाइप मिली है, आप देख सकते हैं इस पाइप का यूज़ इसको कनेक्ट करने के लिए है। और इसके ये की मिली है, ये की इसको इसमें काफ़ी यूज़फुल है। और ये बोतल के ऊपर लग के ये पंप है। मैंने ये सारा सेटअप 8 महीने पहले परचेज किया था, और मैं इसे कम से कम 10 या 12 बार नाइट कैंपिंग कर चुका हूँ। और जिस मैंने नाइट कैंपिंग में जो प्रॉब्लम फेस किया है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और अभी मैं इसको असेंबल कर, इस बोतल के अंदर हम पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और डीजल इंजेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले इसके अंदर पेट्रोल यूज़ किया है, और मैंने ये पहले इसमें डीजल यूज़ करके किया था, तो ये जो चलता था तो ये सारा ब्लैक हो जाता था बर्तन वगैरह, पर पेट्रोल के अंदर ये ब्लैक वगैरह कुछ नहीं होता। मैंने पहले इसके अंदर डाल रखा है पेट्रोल। सबसे पहले हम चूल्हे के अंदर इस पाइप को यहाँ पे, इसको नीचे यहाँ पे हम लगाते हैं। और इसको लगाने के बाद हम कैसे टाइट करें, हाथ से तो ये टाइट होगा नहीं, ये की है, इस की के यूज़ से आप इसको पहले टाइट करें। यदि आप टाइट नहीं करते हैं तो उसको चलाते हैं तो यहाँ से लीकेजिंग होती है, लीकेजिंग होने से यहाँ पे आग लगने का डर होता है। या आप देख सकते हैं ये पहले यहाँ पे 2-3 बार आंच लग चुकी है, रबड़ वगैरह गला हुआ है। और इसके बाद हम इसको यहाँ पे रखते हैं, हम इसके अंदर ये इसको हटा के इस पाइप को इस पंप के अंदर लगाते हैं। हमने इस पाइप को इस पंप के अंदर कनेक्ट कर दिया है, और इसके बाद अब हम इस बोतल को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। इस बोतल को भी ऐसे करके इसको कनेक्ट, ये कनेक्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कनेक्ट होने के बाद इसको ऐसे रखते हैं नीचे, और हम पंप करते हैं जिससे इसमें प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनने के बाद इसमें ये फिर से स्टार्ट हो, और हम पंप करने के बाद प्रेशर बनाने के बाद इसको की को उठाते हैं। की को उठाने के बाद जो इसकी वो होती है अंदर की, उसमें कचरा आ जाता है, कचरे को हम इसकी की सहायता से उसको सही कर सकते हैं। इसको सही करने के बाद अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बंद कर, और आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। और पंप करता हूँ, पंप करने के बाद आप देख सकते हैं अभी जो इसमें पहले, और आप देख सकते हैं कितने फास्ट प्रोसेस है इसकी, कितनी फास्ट फ्लेम चल रही है इसकी। और इस टाइम मैं अपनी घर की छत पे हूँ, चारों तरफ से हवा आ रही है, इसके कारण ये आपको दिखाई नहीं दे रही ढंग से। ये कैंपिंग के लिए बहुत ही बेस्ट गैजेट है, इसकी ये नो मेंटेनेंस है, आप देख सकते हैं इतना फास्ट चल रहा है। आप देख सकते हैं इस साउंड ऑफ फ्लेम कितनी फास्ट है। और आप इसको लेके आप इसको परचेज कर सकते हैं, और अब आउटडोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैंपिंग वगैरह के लिए आप अपना खाना वगैरह पका सकते हैं। अब इसकी कॉस्ट है 5,000 रुपये, और ये मैंने दिल्ली से परचेज किया था, और इसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइट पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है इसके। साउंड ऑफ फ्लेम आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त अपने घर के छत पे हूँ। आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइज। अब